सो वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल्स. इट इज जैन ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास फोर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. टुडे वी स्टडी अबाउट क्लास टेंथ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग. वीडियो नंबर 6 चल रहा है. ओजाइब कैसे ड्रॉ करते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और उनका रेंज. एग्जाम इजी क्वेश्चन आता है और आपको बस बना देना एग्जाम में. तो चलिए आज का टॉपिक है हिस्टोग्राम ड्रॉ करने और साथ में उसके सहायता से मोड निकालने आता है. हिस्टोग्राम एंड मोड, मीन के बाद मीडियन पढ़े, उसके बाद मोड भी है और बीच में क्वार्टाइल भी था और जाइब भी था. बहुत ईजी है, ये भी ग्राफ में ही बनाना है आपको. क्लास इंटरवल से ही बनता है, याद रखिएगा क्लास इंटरवल. बहुत ईजी है, ओजाइब से भी ईजी है. क्लास इंटरवल और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दे दिया. 3, 4, 8, 2, 6 कुछ नहीं करना. हिस्टोग्राम ध्यान से देखिए, एकदम तुरंत बना देना, एग्जाम में आएगा ही आएगा. और उसके सहायता से मोड भी निकाल के दिखाएंगे हम. तो सबसे पहले इधर लिखिए क्लास इंटरवल या एक्स बोलते हैं और इधर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी. 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50 तक दिए हैं. क्लियर है? आइए इधर की ओर क्या है, 1, 2 कर लेते. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक कर लिए. 1 अपना सूटेबल जो देखना है उसके हिसाब से कर लीजिएगा. बड़ा रहेगा तो बड़ा के हिसाब से करने आता होगा. चलिए 0 से 10 हो गया. कितना है, 3 में गए मार्क कर लिए. 10 से 24 है, 4 है, इसको 4 तक ले गए और ऐसे बैठा दिए, है ना. पिछले वाला को 4 तक खींचे और ऐसे कर लिए. 20 से 38 है, 20 से 38 तक पहुँचाएँ, हो गया 20 से 38 तक पहुँचा. 30 से 42 तो 2 तो यहीं पर है, 6 कहाँ तक जाएंगे इसको, 6 तक हो गया. यही है हिस्टोग्राम. क्या ड्रॉ कर दिए, हिस्टोग्राम. एक तरफ क्लास इंटरवल और एक तरफ फ्रीक्वेंसी, खत्म हो गया हिस्टोग्राम और कुछ भी नहीं है इसके अंदर. अब अगर मोड बोलेगा, ध्यान से देखिए, मोड निकालने बोलेगा. मोड क्या होता है, मोड मतलब जो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी जिसका होता है. कौन सा सबसे अधिक है, 8 ये वाला. तो इसका इंटरवल क्या है, 2 से 20 से 30 को बोलेंगे मॉडल क्लास. क्या बोलते हैं, मॉडल. पूछे मॉडल क्लास कौन है इसमें, सीधे बोलिए जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला है, इसका नाम है मॉडल क्लास. अब मोड कैसे निकालते हैं, बिना ग्राफ का नहीं बना पाइएगा टेंथ क्लास में. आप कुछ नहीं करना, सबसे ऊंचा वाला को देखिए और इसको ग्राफ पेपर में एकदम इसके बगल में जो है उससे मिलाइए. क्लियर है, उससे मिलाइए और इधर वाला को इससे मिलाइए. क्लियर है? और ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, जो ये वैल्यू आएगा ना, यही है मोड. अब इसको ग्राफ में 20 से 30 मतलब 22, 23 के आसपास आएगा. एकदम अच्छा से ग्राफ बनाएंगे, पक्का बन जाएगा. तरीका बताएं, कोई हार्ड चीज़ नहीं है. हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी वाला को मॉडल क्लास बोलते हैं, और मॉडल क्लास जानने के बाद हम लोग ग्राफ पेपर में जाएंगे, इसको चूज करेंगे, सबसे ऊंचा वाला को बगल में कम बेसी रहता है कि नहीं. तो क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे ऐसे, इंटरसेक्ट जहां करेगा वही, जहां मिलेगा एक्स में वही मोड कहलाएगा. और एक बना के दिखा रहे हैं. एक और एग्जाम्पल देखिए, क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस, दिखाएं क्या होता है. और एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, बोलो बोलो. तो क्या कहा जी, 11 से 20, फिर 21 से दिया होगा, देखिएगा शायद 21 से 30, फिर 31 से दिया होगा. पहली बार ऐसा डाटा आया, डिस्क्रीट डाटा भी बोलते हैं. 40 इसको बोलते हैं एक्स इंक्लूजिव. 41 से 50 और है बस. इसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा, इससे नहीं बना सकते. 0.5 दोनों तरफ कम करिए, इधर कम करिए और उधर बढ़ा दीजिए.
चेंज करना पड़ेगा। 0.5 हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं बना सकते हम लोग। पहले क्या था, कंटिन्यूस था, 10 से 20, 20 से 30 स्टेप था, ऐसा रहेगा। पॉइंट कम कर दीजिए, 10.5 से 20.5, इधर 0.5 कम किए, उधर 0.5 बढ़ाए, उधर बढ़ाए, इधर कम किए, इधर बढ़ाना पड़ेगा ना। यहाँ पे 20.5 से 30.5, 30.5 से जब भी ऐसा रहेगा आप ऐसा कर लीजिएगा तभी बनाइएगा। किसी हिस्टोग्राम में बस जरूरत पड़ता है इसका, कभी कभी भूल से अगर मीन में दे दिया तो ऐसा वैसे ही बनाना पड़ेगा आपको। 14.5 से 50.5 कम बेसी कर दीजिए, कम उधर ज़्यादा, इधर कम उधर ज़्यादा। 50.5 से हम क्लास इंटरवल ही लिख रहे हैं अभी, 60.5 ऐसा लिखना चाहिए डाटा। क्लियर है, समझ आ गया? जब इस तरह का डाटा 10 से 20 रहता ना तो कोई बात नहीं, 20 से 30, 11 से 20 दे दिया, पहले 11 भी इंक्लूड है और 20 भी इंक्लूड है इसमें, तो 0.5 हम लोग कम करना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। उसके बाद बताइए फ्रीक्वेंसी दिया होगा, कितना दिया जी? 5.8 फ्रीक्वेंसी, 5.8 13 10 6, यही आंसर होगा पक्का, चला पता है मोड में तो ठीक है ना। आइए 0 लिखेंगे, 10.5 20.5 30.5 40.5 50.5 और कहाँ तक है 60.5। इसको प्लॉट करना है, इसको नहीं करना है, इसको करना सुधार लेना अपने से जल्दी से। सुन लिए ना, जब ये ऐसा डाटा रहेगा, पहली बार ऐसा डाटा मिला है। अब आइए इधर में कितना 10 तक है, दो दो का अंतर माने 2 4 6 8 10 12 14, ये हो गया वाई ओरिजिन एक्स एक्सिस। चलिए स्टार्ट करें, हिस्टोग्राम बना दें, और जाइब में मालूम है ना कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होता है और इधर एक्स होता है। क्लियर है? आइए 10.5 से 20.5, 5 खोल लेंगे ना, इन दोनों के बीच में 4 और 6 के बीच में 5 है, फिर 8 ठीक है, 30.5 से 13, फिर 10, कोई डाउट है किसी को? हो गया, ये हो गया हिस्टोग्राम। मोड निकालने बोले गए तो पहले मॉडल क्लास कुछ बताइए, मॉडल क्लास सबसे हाई फ्रीक्वेंसी कौन है, जो सबसे ऊंचा है 30.5 से 40.5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 31 से 40 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब ऐसा करने के बाद मिलाइए, और ये जो वैल्यू आएगा x में वही मोड होगा। ऑलमोस्ट 30.5 से 40.5 के बीच में निकालेंगे तो लगभग आएगा 34 आसपास आएगा। क्या दिया 34? उसमें नहीं दिया, मोड नहीं निकाला है। चलिए नोट कर लीजिए, समझ में आ गया अच्छा से, एक और देख लीजिए। चलिए एक और हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, क्लास इंटरवल पता होना चाहिए है कि नहीं, और इधर में क्या लिखते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी ओ वाई, 0 से 10 दिया हुआ है, 20 एकदम ऐसे ही रहता है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। 50 तक है तो 50 तक लिखेंगे, कितना तक है मैक्सिमम 20 तक गया है तो लिख दें 4 8 2 से लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 2 का अंतर ले लिया ठीक है ना, 20 बोलिए 0 से 10 5 यहाँ मिलेगा खत्म, 10 से 20 12 कहाँ गया यहाँ, इसको एकदम 12 तक ले जाइए 10 से 20, फिर क्या 20 आ गया, फिर 20 हो गया 20 से 30 में, फिर 9 होगा ये आसपास, फिर 40 से 54, 50 से 60 नहीं दिया हुआ, बस इतना ही है ना, खत्म हो गया, यही हो गया हिस्टोग्राम खत्म। अगर बोलेगा मोड सबसे ऊंचा, मोड बोलेगा तो मॉडल क्लास कौन है पूछेगा, तो सिंपली बोलेंगे क्या 20 से 30 खत्म, और मोड निकालने बोलेगा तो एकदम अच्छा से स्केल से मिलाइएगा इन दोनों को, ये जो वैल्यू आएगा 20 ऑलमोस्ट 24 25 के आसपास आएगा, 24 25 देखो आंसर है इसका।
नोट कर लीजिए, एकदम अच्छा से बता दिए। स्टैटिक्स खत्म हो गया, क्या क्या टॉपिक पढ़े, मीन के बारे में, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड, जो एग्जाम बोलेगा बना लेना उससे से, क्लियर है। उसके बाद हम लोग पढ़े मोड, सॉरी मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, ओजाइव, हिस्टोग्राम, सबको बना लीजिएगा, नोट कर लीजिए।